नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, 26 या 27 अगस्त को, और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परम्परा है। अब की बार लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को, तो इस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर हो रही है और इसका समापन 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगा। ऐसे में अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जीवन में मौजूद हर दुख दोष और दृढ़ता दूर हो जाती है। कृष्ण भक्त इस दिन व्रत करते हैं और बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं और रात में 12 रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। इस प्रकार करें कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा। इसके लिए सबसे पहले आपको उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप या लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ पर आपको थोड़ा गंगा जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद मंदिर को अशोक की पत्ती, फूल, माला और सुगंध इत्यादि से सजाना चाहिए। अब आपको उस स्थान पर छोटे बच्चों को बिठाकर खाना खिलाना है। आप चाहें तो इस दिन श्री हरि का कीर्तन भी करवा सकते हैं। अगर संभव हो तो व्रत भी अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं का ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की साफ सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीज़ों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, काना का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। श्री कृष्ण मूल मंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।